ये जी हमारा बच्चों का कब्रिस्तान है, ये देखें सारा का सारा। ये हमारे बड़ों का नहीं है, ये जो बच्चे हमारे फौत होते हैं ना छोटे से। ये काली तो पता करी छोड़ के नहीं आ रहे। सच्ची बात है, वो के इवे दुआ नहीं हो पाते, वो के सिख ये अपना खानदार है अब जो ना चस्की वाले फूल जैसे फूल कर ना बैठ रहे चलते तो थाने था वो तो तू कर अच्छा तू मारे चार बार गारा दवा के काम ला ला चली ला ने घोड़े के आगे सुना सता रहा कि बेटा शेख बेटा और ये अल्लाह से हां आ सकता ये अल्लाह से वो हाल के माने नवाब से भी ऊपर मुझे कोई पता हां दादे सनी अब जा जानू कत्ल कर तो आप भिल दिया एक अब्बा दादा से अली मोहम्मद खान इमरान पर गया जानू खान से बाल समझ एक पर दादा शोभा एक पर दादा इमाम बख्श त्राया बाग चिट्टे दी तो बंदा मारे ने उन्हें दो बंदे मारे दुरान ने मारे ने जवान ने मार सके तो जो रिश्तेदारी ही जानू खान जी की हिमेज थी छुपा ली त्राया बाग जानू अब्बा मेरा पढ़िया भेन हुई मामे वसाए तू भेण धीरे कर जानू खानी क्या भेणी तूे सोरे तू अपने दादे सोरे चटी एक दादे मामे ये जी हमारा बच्चों का कब्रिस्तान है, ये देखें सारा का सारा। ये हमारे बड़ों का नहीं है, ये जो बच्चे हमारे फौत होते हैं ना छोटे से, और ये उनका कब्रिस्तान है। ये सामने जी मेरे कज़न का छोटा बेटा फौत हुआ है, उसको दफनाने के लिए आए हुए हैं सामने। ये देखें बंदे इधर उधर से, तो वैसे तो छोटे बच्चे जन्नत में होते हैं तो माशाल्लाह जी। और हजूर पाक सल्लम ने पूछा साहबा कराम से ला वालिद किसको कहें, तो साहबा कराम ने फरमाया कि हजूर अल्लाह के रसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूल साहबा ने फरमाया जिसकी औलाद नहीं होती, तो रसूल सल्लम ने इशारत फरमाया कि नहीं जिसका छोटा बेटा फौत ना हुआ वो ला वालिद है। तो ये देखें जी माशाल्लाह जी छोटा बच्चा है ना बाप के लिए भी काम आता है। और ये देखें सामने आज फौत हुआ है, तो जनाजा पढ़ के हमसे तकरीबन 5-6 मिनट का सफ़र है हमारे इलाके से, तो यहाँ हम कब्रिस्तान में उसे लेकर आए हैं। ये देखिए सामने सुराख, देखें कब्रिस्तान में किस चीज़ का। अगर आप किसी दोस्त को पता हो तो फिर आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। जी दोस्तों कबार बच्चे की जाना तैयार हो चुके हैं, अभी इंशाल्लाह उसको दफनाएंगे फिर जाना घर जाएंगे इंशाल्लाह, दुआ भी करेंगे उसके लिए।